26 अगस्त 2024 को इसराइल के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर अल अक्सा मस्जिद गए थे। इस दौरान वहां पर मीडिया के सामने घोषणा की थी कि वो अल अक्सा के बरामदे में एक यहूदी मंदिर बनवाएंगे जिससे यहूदी यहां पर आराधना कर सके। बेन गवीर ने इस दौरान ये भी कहा कि जिस तरह से मुस्लिमों को यहां पर उपासना का अधिकार है, ठीक उसी तरह से यहूदियों को भी यहां पर आराधना करने का अधिकार है। और उनके इस बयान से इसराइल से लेकर तमाम मुस्लिम देशों में बवाल मच गया है। ईरान और हमास दोनों ने ही इस ऐलान का विरोध किया है। और तो और अमेरिका ने भी अल अक्सा को लेकर कहा था कि वो यरूशलम में ऐतिहासिक स्थलों की यथास्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरे इसराइल में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरअसल अब अल अक्सा के परिसर में यहूदी प्रार्थना कर रहे हैं और पहले की तरह पुलिस उन्हें रोक भी नहीं रही है। और तो और कई इजरायली एक्टिविस्ट ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए यहाँ पर यहूदियों के लिए प्रार्थना करने की मांग की है। अल अक्सा परिसर में अब रोजाना सुबह और दोपहर को आराधना की जा रही है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अल अक्सा परिसर में ये प्रार्थना पूर्वी हिस्से में हो रही है जो मुस्लिम नमाजियों की नजरों से दूर है और ये बकायदा पुलिस की पूरी नजर में की जाती है। जब ये यहूदी श्रद्धालु अल अक्सा में आते हैं तो पुलिस उनके साथ ही रहती है। हालांकि अल अक्सा परिसर में दशकों पुरानी अस्पष्ट यथास्थिति के तहत पहले ऐसी प्रार्थनाएं नहीं होती थी। गौर करने वाली बात यह है कि 13 अगस्त 2024 से पहले पुलिस यहां पर प्रार्थना करने वाले यहूदियों और गैर मुस्लिमों को हिरासत में लेकर उन्हें हटा देती थी। यहां तक कि गैर मुस्लिम आगंतुकों को पुलिस अधिकारी पहले ही प्रार्थना नहीं करने की सलाह तक देते थे, लेकिन अब इस तरह का चलन खत्म हो चुका है। दरअसल 13 अगस्त 2024 को अल अक्सा परिसर में इसराइल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर आए थे और उन्होंने यहाँ पर सबके सामने प्रार्थना की थी और पुलिस ने उन्हें ना ही हिरासत में लिया था और ना ही हटाया था। उनके साथ कई श्रद्धालु यहाँ प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि ऐसा करने वाले बेन गवीर अकेले नहीं हैं, बल्कि उनसे पहले साल 2018 में पुलिस मंत्री रहे गिलाड अर्दन ने यहाँ पर विवेकपूर्ण तरीके से प्रार्थना की अनुमति दी थी और यहीं से अल अक्सा की स्थिति में बदलाव शुरू हुआ। उस वक्त पुलिस ने अल अक्सा परिसर के पूर्वी हिस्से में प्रार्थना और गायन और नृत्य की अनुमति दी थी। हालांकि खुले तौर पर इस प्रकार के अनुष्ठान को यहां देखा नहीं गया है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि गाजा के बाद अब अल अक्सा परिसर में यहूदियों के लिए आराधनालय की मांग एक बड़ा मुद्दा बन सकती है।